ओके ऋषभ, आप अपनी थोड़ी बैकग्राउंड के बारे में बताइए। आप इंडिया कौन से शहर से आए थे? आपने कौन सी पढ़ाई की थी वहां? यहां आकर आपने कौन सी पढ़ाई चूज की, कौन से कॉलेज में, और आपने कनाडा आने का डिसीजन क्यों लिया? श्योर। सो मैं इंडिया पंजाब से हूँ और होशियारपुर से बिलोंग करता हूँ। एंड वहाँ पे 12th की थी, और 12th के बाद 12th में नॉन मेडिकल था, और जैसे आपको पता है IIT की दौड़ लग जाती है, तो वो जब एंट्रेंस क्लियर नहीं हुआ तो मेरी एडमिशन PTU में हुई उधर पटियाले, और वहाँ पे पंजाबी यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल थी। मैकेनिकल से इतना लगाव नहीं था, तो कंप्यूटर साइंस चाहिए थी, तो इसलिए फिर CGC लांड्रा में ले ली एडमिशन। वहाँ पे 2 सेमेस्टर किए थे, पर उसके बाद जैसे जैसे सीनियर से बात होती थी और जॉब के बारे में पता लग रहा था, तो दिख रहा था कि बहुत कंपटीशन है और स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। और वहाँ पे ही लांड्रा में ही मेरे कई जो कॉलेज मेट्स थे, उनमें से एक और दो जिनको जिनके साथ मैं बहुत क्लोज था, वो कनाडा आ रहे थे उस समर। सो मैंने भी शुरू किया अपना प्रोसेस, तो वैसे शुरुआत हुई कि हाँ अब कनाडा जाना है, यहाँ पे इतना स्कोप नहीं है। तो तब था कि हाँ शायद डिग्री में एडमिशन मिल जाए, पर जब फीस वगैरह देखी, इंटरनेशनल फीस बहुत ज़्यादा होती है अगर आप बैचलर्स करना चाहते हो या अंडर ग्रेड, तो इसलिए फिर कंप्यूटर नेटवर्किंग डिप्लोमा में ले ली, जो 2 ईयर का प्रोग्राम था यहाँ पे सेंट लॉरेंस किंगस्टन में। ओके, सो आपने सीईसी लंड्रा में अपनी बीटेक कंप्लीट की या नहीं की? नहीं नहीं की, फर्स्ट ईयर में ड्रॉप ले लिया था। सो आपने यहां आके कौन सा कॉलेज चुना, कौन सा प्रोग्राम चुना, और वो डिसीजन प्रोसेस कैसा था आपका? फॉर श्योर। तो मेरा एक्चुअली, मैं यहाँ पे कोई नोन नहीं था जिसके ऊपर जैसे रिलाई कर सकूँ और पूछ सकूँ कि कहाँ पे आए, कौन सी सिटी बेटर है। तो तब सिर्फ गूगल पे जो सर्च किया था कि कौन सी सिटीज़ जैसे बहुत बड़ी ना हो, ताकि एक्सपेंसेस जो है लिविंग एक्सपेंसेस वो कम हो, और इतनी छोटी भी ना हो कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ना हो। तो जो उस वक्त जो सर्कल था वहाँ पे, जिनसे बात की थी इंडिया में, उन्होंने बताया कि ऐसे किंगस्टन है, कॉर्नवल है, ब्रॉकविल है, जो ईस्ट कोस्ट पे ही है ओंटारियो में, और आपके पास टोरंटो और मॉन्ट्रियल दोनों विद इन रीच है, तो कल को अगर बड़ी सिटी में मूव भी होना है तो इजी रहेगा। तो उस बेस पे किंगस्टन चूज किया था, और जैसे कि मैंने कहा कनाडा में कोई था नहीं, तो इतना था नहीं कि हाँ इस स्पेसिफिक सिटी में जाना है। और जब सेंट लॉरेंस के बारे में और थोड़ा मतलब देखा ऑनलाइन, गूगल मैप्स पे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह देखा, और प्रोग्राम से जो बच्चे ग्रेजुएट हो चुके हैं उनको, उनकी जैसे सक्सेस स्टोरीज वगैरह कॉलेज वगैरह लिखते ही हैं, तो वो देखा तो था कि हाँ चलो ठीक है कॉलेज, तो स्पेस पे चूज किया था। ओके, सो आपने वहां मैकेनिकल की थी, लेकिन आपने यहां कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोग्राम चूज किया, वो कौन सा प्रोग्राम था, वो क्यों चूज किया आपने? तो जैसे कि मैंने कहा कि जो गोल था वो था कि कंप्यूटर साइंस में बैचलर्स करनी है, पर इंटरनेशनल फीस बहुत ज़्यादा है अगर आप अंडर ग्रेड करते हैं, और 4 ईयर्स जाएंगे, राइट? सो पार्ट टाइम काम में वो अफोर्ड करना आई थिंक पॉसिबल नहीं था उस वक्त, तो इसलिए कंप्यूटर नेटवर्किंग या कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड कोई भी डिप्लोमा था तो वो मेरा गो टू ऑप्शन था। और सबसे कॉमन आई थिंक कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड टेक्निकल सपोर्ट, जिसे हम CNTS भी कह देते हैं, वो था कॉमन, और डिफरेंट कॉलेजेस में ये प्रोग्राम अवेलेबल है। आई थिंक अब उसका नाम शायद कंप्यूटर सिस्टम टेक्नीशियन हो गया, तो उस कारण आई थिंक, क्योंकि मैंने डिप्लोमा चूज करना था तो वॉन्टेड टू लाइक स्टिक विद कंप्यूटर्स, सो कंप्यूटर नेटवर्किंग चूज किया। हाँ जी। और ये प्रोग्राम की ड्यूरेशन क्या थी, और इसके कोई प्री रेक्विजिट्स थे कि आपको इंडिया से आपको स्पेसिफिक कोई प्रोग्राम करके आना पड़ा था या नहीं था? प्रीरेक्विजिट बस वही था कि 12th में आपने फिजिक्स, मैथ्स और लाइक नॉन मेडिकल हो, और वैसे इन इन पर्टिकुलर कोई प्रीरेक्विजिट नहीं था। उसके अलावा आई थिंक बहुत इजी था प्रोसेस मेरे लिए। जैसे ही जैसे प्रोग्राम लिया तो आई थिंक ऑफर लेटर 3 दिन में आ गई थी सेंट लॉरेंस से। तब आई थिंक इतना जैसे कह लो कॉमन नहीं था सेंट लॉरेंस इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में, बिकॉज मुझे याद है जब हम आए भी थे यहाँ पे, सिर्फ जैसे आई थिंक 800 से 1000 इंटरनेशनल बच्चे थे पूरे कॉलेज में, तो फ्रॉम इंडिया, लाइक फ्रॉम पंजाब।
तो वो देख के थोड़ा था कि कहाँ आ गए हैं, थोड़ा था कि अब कैसे कम्युनिटी में कैसे कैसे सर्कल बनाएगा, मतलब बनेगा, तो वो था थोड़ा मन में। सो ऋषभ, जब आप यहाँ आ गए थे, आपने अपनी स्टूडेंट जर्नी के दौरान कौन कौन सी जॉब्स की थी पार्ट टाइम? सो पहले आके थोड़ा काफ़ी टाइम लगा जॉब लगने में, आई थिंक 3 मंथ्स ऑलमोस्ट लग गए थे मुझे। और पहली जॉब गैस स्टेशन पे थी एज अ कैशियर, तो वो ऑलमोस्ट 2 ईयर्स तक की मैंने। और पर सेकेंड ईयर में, जब मेरा सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ डिप्लोमे का, तब थोड़ा, क्योंकि आपकी GIC ख़त्म हो जाती है और थोड़ा पैसे की हो जाती है तंगी, तो फिर पार्ट टाइम एक और जॉब थी एज अ पिज़्ज़ा डिलीवरी। तो पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा यहाँ पे बहुत जैसे फेमस है ओंटारियो में, तो वहाँ पे एज अ डिलीवरी ड्राइवर लगा था अलॉन्ग विद कैशियर एट गैस स्टेशन। हाँ जी, हाँ जी। सो आपने पिज्जा डिलीवरी पर काम किया है, गैस स्टेशन एज अ जो क्लर्क होते हैं वो भी काम किया, राइट? और जब आपने ये सारे काम कर लिए थे, व्हाट वाज द फर्स्ट जॉब जो आपने मुझे बताई कि आपकी फर्स्ट प्रोफेशनल जॉब जूनियर आईटी एडमिन की पोजीशन पे लगी थी? वो जो जॉब थी, आपको कैसे मिली वो जॉब? वो एक्चुअली जो कंप्यूटर नेटवर्किंग प्रोग्राम था सेंट लॉरेंस के थ्रू, वहाँ पे मैंडेटरी था कि 4th सेमेस्टर में आपने 2 मंथ की को आप प्लेसमेंट करनी है। इवन दो वो पेड नहीं होगी, पर वो आपको इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा और बताएगी, मतलब वर्क फील्ड कैसी है, वर्क कल्चर कैसा है आईटी का। एक रियल कंपनी में काम करके ही आपको पता लगता है, तो वो आई थिंक बहुत अच्छा ऑप्शन था। और उसके थ्रू मेरी वो जो जूनियर आईटी एडमिन की इंटर्नशिप थी वो लगी थी 2 मंथ की, वो भी प्रिंट फ्लीट में थी। तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा काम करके, काफ़ी मतलब पता लगा कि सिर्फ जैसे स्टडी से बहुत डिफरेंट था, स्टडी से जब आप कंपेयर करते हो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस, तो वो बहुत डिफरेंट होती हैं। तो फिर अच्छा लगा कि हाँ, मतलब सही चूज़ किया था प्रोग्राम, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे थोड़ा पैशनेट भी था मैं कि हाँ, कंप्यूटर्स के साथ ही काम करना है, तो वो काफ़ी अच्छा गया 2 मंथ्स। और उसी के थ्रू बाद में जो फर्स्ट पेड प्रोफेशनल जॉब आप कह सकते हो, वो वहाँ पे लगी थी एज अ टेक सपोर्ट। हाँ जी, और जो प्रिंट फ्लीट में आपने कोऑप के ड्यूरेशन में काम किया था, वो काम के स्पेसिफिक्स क्या थे? आपका काम एक्चुअली में होता क्या था? तो हमारे आईटी टीम जो थी वहाँ पे, सिर्फ वो एक्चुअली में मतलब तभी जो कंपनी थी वो बहुत छोटी थी इन द सेंस नंबर ऑफ पीपल। सो जैसे आई थिंक मैक्सिमम 30 to 40 पीपल थे उस कंपनी में, एंड इट वाज जैसे स्टार्टअप्स होते हैं वैसा कल्चर था वहाँ पे। तो जो आईटी टीम थी वो 2 जनों की थी और मैं थर्ड आया था, और एज उनका असिस्टेंट कह लो या जूनियर आईटी एडमिन कह लो। तो वो जो टास्क असाइन करते थे, वो जैसे जैसे मैं सीखता गया वैसे वैसे वो टास्क भी एडवांस होते गए। तो यूजली जो स्टार्ट थी, जो पहले 2 वीक्स थे, उसमें जैसे किसी का लैपटॉप नहीं चल रहा, या कोई मार्केटिंग में है या सेल्स में है, वो कंप्लेन कर रहे हैं कि हमारा लैपटॉप जो बहुत लैगी है। तो जो मेरे सुपरवाइज़र थे वो बोलेंगे कि देखो, ट्रबल शूट करो, क्या है, क्यों स्लो है। या किसी की री इमेज करना होता था कि वो कह रहे हैं कि जैसे 3 साल हो गए लैपटॉप को, कुछ वायरस आ गया है, तो उसको शुरू से विंडोज़ इंस्टॉल चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थी पहले 2 वीक्स में। उसके बाद थोड़ी और टिकट्स वगैरह साइन होनी शुरू हो गई, जैसे कि नेटवर्किंग के रिलेटेड थी। तो हमारे वहाँ पे लोकल डेटा सेंटर था, तो वहाँ पे सर्वर रूम था, तो वहाँ पे फिगर आउट करना कि अगर डेवलपमेंट को कोई पोर्ट ओपन चाहिए, क्योंकि वो कुछ डेवलप कर रहे हैं और कोई वेबसाइट है जिसके लिए उनको एक स्पेसिफिक पोर्ट जो है डेटा सेंटर में ओपन चाहिए, तो वो फिगर आउट करना। फिर एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था तब कि नेटवर्किंग डायग्राम बनाना था पूरी कंपनी का, कि कैसे डेटा सेंटर लेड आउट है। वो हमारे पास ब्लूप्रिंट्स थे पर वो अपडेटेड नहीं थे, तो मेरे सुपरवाइज़र ने बोला कि अगर मतलब ये प्रोजेक्ट लेना चाहता है तो इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, और उनके लिए एक तरह का जो ब्लूप्रिंट था वो अपडेटेड हो जाएगा। तो वो ड्रॉ किया, उसके बारे में जैसे कॉलेज में भी पढ़ा था, टूलिंग वगैरह आती थी, तो वो आई थिंक वो ही एक अच्छी एप्लीकेशन हुई जो कॉलेज में पढ़ा था, और वहाँ पे जाके फिर डायग्रामिंग की और आर्किटेक्चर बनाया पूरा। और इसके रिलेटेड ही ऐसे काम थे। एक आई थिंक एंड में काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट था जिसमें डैशबोर्ड्स बनाने थे, तो
तो हमारा प्रोडक्ट उसका स्टेटस क्या है, लोग कितने यूजर्स आ रहे हैं रोज और अप टाइम क्या है, कभी डाउन तो नहीं जा रहा। तो उसके लिए 3 TV जैसे कंपनी ने लिए थे, पर उस पे डैशबोर्ड डिस्प्ले करना था। तो वो प्रोजेक्ट उसमें रेस्पबेरी पाई यूज़ हुए थे और मुझे तब पता नहीं था, वो स्मॉल रियली स्मॉल कंप्यूटर्स होते हैं, आप $30-40 के बाय कर सकते हैं, वो एग्जैक्टली जो हमारे बड़े PC हैं वैसे काम कर सकते हैं विद रेस्पबेरी OS और या उबंटू, आप कोई भी लिनक्स का फ्लेवर डाल सकते हैं उस पे। तो वो प्रोजेक्ट आई थिंक वो स्टेपिंग स्टोन था जिसके कारण मुझे एंड में जैसे फुल टाइम ऑफर मिली वहां से। ओके, सो ये सारे काम आपने कोऑप की ड्यूरेशन के दौरान किए, और फिर उसी कोऑप की कंपनी ने जहां आप कोऑप कर रहे थे उन्होंने आपको फुल टाइम एज अ टेक सपोर्ट हायर कर लिया, राइट? ओके, जब आपको उन्होंने एज अ टेक सपोर्ट हायर कर लिया, वहां से आपकी जर्नी की प्रोग्रेशन कैसे हुई? वहां से आपकी पोजीशन फ्रॉम टेक सपोर्ट टू डेवऑप्स में कैसे कन्वर्ट हुई? तो टेक सपोर्ट में जब आ गया तो जैसे पता लगने लग पड़ा क्या है टेक सपोर्ट। सो IT एडमिन में काम जो था, वो जो मेरा सुपरवाइजर असाइन कर रहा था, जो इंटरनली था काम, टेक सपोर्ट में आप बहुत ज़्यादा क्लाइंट डीलिंग थी, बहुत ज़्यादा कस्टमर फेसिंग था रोल। इवन दो जैसे गैस स्टेशन पे काम किया था एज अ कैशियर, और पिज्ज़ा डिलीवरी में भी आपको कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है, पर फिर भी वो कहीं ना कहीं होता है, थोड़ा हेजिटेंट होते हैं हम। स्पेशली फ़ोन पे बात करना मेरे लिए बहुत जैसे वो था कि यार रोज फ़ोन उठा के जैसे 10-15 कॉल्स लेनी पड़ती थी, और ज़्यादातर होता क्या था कि कस्टमर्स फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, वो तभी कॉल करेंगे सपोर्ट को, और वो कस्टमर्स जैसे फ्रस्ट्रेटेड थे कि आपका प्रोडक्ट नहीं चल रहा, ये इशू है ये इशू, तो उनको मेक श्योर करना था कि काम डाउन करना है। तो वो थोड़ा डर था शुरू में, पर वो प्रोबेशन में निकल गया। उसके बाद थोड़ा ये हो गया कि रेपिटेटिव होगी जॉब, क्योंकि हद से हद मतलब आप 3-4 महीने में एक ऐसा डिफरेंट सा इशू देख लोगे, राइट, जो बहुत ही यूनिक है, पर बाकी जो इशूज थे वो रिपीटेड ही होते थे कि अच्छा ये तो मैंने पिछले महीने भी देखा था किसी और कस्टमर के लिए सॉल्व किया, राइट। तो उसके कारण थोड़ा इंटरेस्ट जो था वो प्रोडक्ट सपोर्ट करने के बजाय प्रोडक्ट चल कैसे रहा है उधर चला गया। तो मैं क्वेश्चंस करने शुरू कर दिए काफ़ी, जो हमारे से जैसे डेवलपमेंट टीम थी और क्लाउड डेवऑप्स टीम थी, तो वो बोले मतलब वो काफ़ी अच्छे थे। एंड जैसे मैंने बताया कि स्टार्टअप टाइप था, तो स्टार्टअप कल्चर में ये ऐसे नहीं होता कि आपको बोलेंगे कि नहीं आप टेक सपोर्ट में हो तो वहाँ पे जॉब करो। काफ़ी ओपन थे, काफ़ी सिखाया उन्होंने। आई थिंक 6 मंथ के मार्क पे तभी टोरंटो में क्लाउड की कॉन्फ्रेंस थी, AWS क्लाउड की, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि अगर तुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है तो हमारे साथ चल। तो वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, वहाँ पे गया जाके पता लगा कि क्लाउड क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, और डेवऑप्स के बारे में और पता लगा, और हमारी कंपनी बेसिकली कैसे यूज़ करती है इसको प्रोडक्ट डिलीवर करने के लिए। अच्छा, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में अगर आपने व्यूअर्स को बताना हो कि डेवऑप्स का काम क्या होता है, डेवऑप्स है क्या, तो वो समझाइए जरा। तो एक दो तरह की टीम्स होती हैं, एक डेवलपमेंट टीम, और ये ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर ऐसे था जैसे ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर कंपनीज जब पहले 10 साल पहले या 15 साल पहले थी, तो उसमें एक डेवलपमेंट टीम होती थी और एक ऑपरेशंस टीम होती थी। डेवलपमेंट टीम का काम होता था कि कोड डेवलप करना है, जो भी आपका प्रोडक्ट है, कह लो सिंपल वेबसाइट है, वो डेवलप किया उन्होंने। ऑपरेशन टीम का काम होता था वो डिलीवर करना है, तो वो कंपनी वो जो वेबसाइट बनी है या ऐप बनी है उसको कंज्यूमर्स या कस्टमर्स तक कैसे पहुंचाना है। तो आपके पास क्लाउड आ गया था तब 10-15 साल पहले, तो वो क्लाउड के थ्रू डिलीवर करना शुरू कर दिया बहुत सारी कंपनीज ने। पर अब ये लोचा हो गया था कि जो ऑपरेशंस टीम है और डेवऑप्स टीम है वो अलग अलग टीम्स थी, तो उनके बीच डिसकनेक्ट रहता था। जैसे कि अब डेवलपमेंट ने अपना कोड दे दिया कि ये लो मेरी ऐप है, अब ऑपरेशंस टीम को फिगर आउट करना पड़ता था कि कैसे इसको डिलीवर करें। तो उसमें जैसे दो तीन शुरू में ऐसे होता था कि 1-2 महीने लग जाते थे फिगर आउट करने में कि क्या बेस्ट सोल्यूशन है इसको आगे प्रेजेंट करने का। तब तक डेवलपमेंट टीम ने और प्रोग्रेस कर ली होती थी, और वो आते थे कि हे आप 2 महीने पीछे चल रहे हो, हमने अगला वर्जन भी लिख दिया है। तो उस जो डिसकनेक्ट था बीच में, उसके कारण दो टीम्स को जैसे कंबाइन कर दिया गया और डेवऑप्स बना दिया एज अ टर्म। सो आप कह रहे हैं कि डेवलपिंग टीम एक टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड से आती थी, ऑपरेशंस टेक्नोलॉजिकल से नहीं आती थी, सो दोनों का एक मिक्सचर बना दिया गया कि एक प्रोजेक्ट डिलीवर हो सके अच्छी तरह, मोर एफिशिएंटली। हाँ जी,
हाँ जी, नॉन टेक्निकल नहीं कहूँगा, पर मतलब दोनों की एक्सपर्टीज बहुत डिफरेंट थी। हाँ, और उसके कारण जो आपका प्रोडक्ट है या जो आपकी एप्लीकेशन है उसको डिलीवर करने में टाइम लग जाता था, 1-2 महीने। वो टाइम कम करने के लिए तो दोनों को जैसे कंबाइन करके एक नई टीम बना दी गई जिसको डेवऑप्स बोलते हैं। सो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। ऋषभ ने जब उस कंपनी में एज अ पहले कोऑप स्टार्ट किया, फिर वहाँ कोऑप से फुल टाइम हायर हो गए, और जब उनकी जॉब थोड़ी रिडंडेंट हो गई, रेपिटेटिव हो गई, उन्होंने कोशिश की कि कंपनी के अंदर ही और सीखने की कोशिश की, और कंपनी उन्हें क्लाउड, जो टोरंटो में उन्होंने कौन सी थी क्लाउड आपने लगाई थी, AWS की क्लाउड की कॉन्फ्रेंस थी वो लगाई, और वहां से उनको और सीखने को मिला, उनको पता चला कि उनकी करियर में और प्रोग्रेशन कैसे हो सकती है। सो बहुत ही अच्छा पॉइंट है, आप अपनी ही कंपनी के अंदर अगर आपको लग रहा है कि आपने अपनी जॉब सीख ली है या उसमें काम रेपिटेटिव हो रहा है, तो और सीखने के लिए आप अपने मैनेजर को रीच आउट कीजिए, अच्छे से कम्युनिकेट कीजिए। तो ऋषभ, आज आप कौन सी पोजीशन पे लगे हो और आज आप कौन सा काम कर रहे हो? तो अब अभी द टाइम हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये संडे है और मंडे कल है। तो कल मेरा फर्स्ट डे है गूगल पे, और गूगल में मैं टेक्निकल सॉल्यूशन स्पेशलिस्ट हूँ गूगल क्लाउड की टीम में। तो अगर उसको सिंपलर टर्म्स में बोला जाए तो ये भी बहुत कस्टमर फेसिंग रोल रहेगा अभी स्टार्टिंग में, जिसमें जो कस्टमर्स गूगल क्लाउड यूज़ कर रहे हैं अपनी अपने प्रोडक्ट्स को डिलीवर करने के लिए, उनको अगर कोई प्रॉब्लम आती है या उनको अगर कोई सोल्यूशन चाहिए, चाहे वो शुरू से डेवलप करना है या चाहे वो ऑलरेडी हमारे साथ हैं और गूगल के साथ है और सोल्यूशन को इम्प्रोवाइज करना है, तो उसमें उनके आर्किटेक्चर में हेल्प करने का रोल है। तो ऋषभ, जितनी भी मैंने आपकी जर्नी देखी है उसमें आपने ये बोला था कि आपको ज़्यादा कोडिंग नहीं आती थी फ्रॉम द कॉलेज, लेकिन फिर भी आप इस इंडस्ट्री में गए और आपने इंडस्ट्री में काम करते हुए ही कोडिंग के स्किल्स भी सीख लिए, या कोडिंग किए बगैर ही इस इंडस्ट्री में चले गए। तो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? तो या मतलब क्लाउड इंजीनियरिंग और डेवऑप्स इंजीनियरिंग और जो जो एडजेसेंट रोल्स हैं जो डायरेक्टली डेवलपमेंट के फोकस में नहीं है, जहाँ सॉफ्टवेयर जहाँ पे आपको कोड लिखना पड़े उसके डायरेक्ट फोकस में नहीं है, उसमें ज़्यादातर आपको कोड समझ आना चाहिए और कुछ हद तक स्क्रिप्टिंग आनी चाहिए। स्क्रिप्टिंग और कोडिंग में थोड़ा थोड़ा फर्क है, काफ़ी फर्क है उससे। और उस अगर फर्क मतलब आप नहीं कर पा रहे कोडिंग, तो आई वुड से जैसे QA बहुत अच्छा रोल है, QA इंजीनियरिंग, क्लाउड इंजीनियरिंग बहुत अच्छा रोल है जिसमें कोडिंग बहुत कम है। एंड इट डिपेंड्स, वो बहुत डिपेंड करता है आपकी कंपनी पे कि वो रोल्स में कि जब जॉब डिस्क्रिप्शन उन्होंने डाली उसमें क्या क्या लिखा है। क्योंकि मैं पहले एक्चुअली AWS जो अमेजोन है, अमेजोन में रिजेक्ट हुआ था अभी दिस समर, तो उसका कारण यही था कि रोल उनका भी बहुत सिमिलर था जो मैं अब गूगल में करूँगा, पर उसमें कोडिंग ज़्यादा चाहिए थी और वो कोडिंग रिक्वायरमेंट के कारण मतलब मुझे रिजेक्ट कर दिया। तो आई वुड से कि जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो पढ़ो, और पर हाँ मतलब रोल्स बहुत सारे हैं तो अपनी मतलब अपनी रिसर्च करो और उस हिसाब से चलो। तो आपको अगर नहीं शौक है कि कोडिंग यार रोज़ नहीं होती मेरे से और जहाँ कोडिंग मुश्किल है थोड़ी, तो देखो क्लाउड इंजीनियर डेवऑप्स इंजीनियर बहुत रोल्स हैं। एंड इवन अगर आप बिल्कुल मतलब सॉफ्टवेयर में काम करना चाहते हो, टेक्नोलॉजी में काम करना चाहते हो, पर जो ये रोल्स हैं इंजीनियरिंग रोल्स हैं इनमें नहीं करना चाहते, तो बहुत सारे टेक एडजेसेंट रोल्स कह देते हैं हम, जैसे रिक्रूटमेंट आ गई, ठीक है, सेल्स, टेक सेल्स भी बहुत अभी हॉट चल रही है यहाँ पे ओंटारियो में स्पेशली। सो दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपने कोडिंग की पढ़ाई नहीं भी की, आपके करिकुलम में कोडिंग नहीं भी इन्वॉल्व थी, फिर भी आपको टेक एडजेसेंट जॉब्स मिल सकती हैं अलग अलग सेक्टर्स में, उसी सॉफ्टवेयर टेक इंडस्ट्री में ही। रिक्रूटमेंट में जा सकते हैं आप, सेल्स में जा सकते हैं जैसे कि ऋषभ ने बताया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऋषभ ने जब अपनी जर्नी शुरू की थी थ्रू कोऑप की थी, तो उनकी जो कोऑप थी बहुत ही छोटी कंपनी में लगी थी। तो अगर उनकी कोऑप पहले से ही किसी बड़ी कंपनी में लग जाती, जैसे गूगल में लग जाती, तो नो डाउट वो पैसे अच्छे जरूर बनाते, लेकिन उनकी प्रोग्रेशन जो है करियर की, जो उनकी ग्रोथ है, एक बड़ी कंपनी में होना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बड़ी कंपनीज के पास हर एक रोल के लिए बहुत ही स्पेसिफिक पोजीशंस होती हैं, और ग्रो करना सीखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उस कोऑप से, उस जो कंपनी में कोऑप लगी थी उनसे उन्होंने सीखा और अपना
करियर आगे प्रोग्रेस किया। एंड आई थिंक ऋषभ ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया यार, क्योंकि जब कंपनीज कॉलेजेस आती हैं तो दे डोंट आस्क फॉर कि आप अपना बेस्ट स्टूडेंट दे दो हमें, जो मोस्ट इंटेलिजेंट हो, मोस्ट टैलेंटेड हो। आपको कंपनी तक पहुंचने के लिए एक अच्छा रेज्यूमे चाहिए, और रेज्यूमे जब आपका वो एक्सेप्ट कर ले, इंटरव्यू क्रैक करने के लिए यू नीड टू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। सो ये जो दो चीज़ें हैं, रेज्यूमे और कम्युनिकेशन स्किल्स, दे प्ले अ बिग फैक्टर कि आपको जॉब कैसी मिलेगी, कब मिलेगी, कितनी जल्दी मिल सकती है। एंड ऋषभ, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? रेज्यूमे और को ऑप कितना इम्पॉर्टेंट होता है अलॉन्ग विद कम्युनिकेशन स्किल्स एक स्टूडेंट के करियर में? से बहुत बहुत ज्यादा, क्योंकि पीछे जाना चाहूँगा, जब को आप ढूंढ रहे थे कॉलेज की तरफ से, या जो भी था इंटरव्यूज दे रहे थे, तो हमारे कॉलेज में ही 40 to 45 कंपनीज आई थी। स्टूडेंट्स 80 थे हमारे प्रोग्राम में, और पर वही था कि एक हर कंपनी एक बच्चा लेके जाएगी, तो कई कंपनीज थी जो दो लेके गई। तो वहाँ पे इशू ये हो गया कि बच्चे ज़्यादा हैं, कंपनीज कम आई हैं, और उसमें से वही 10-15, मतलब 15-20 बच्चे रह गए थे, और उनमें से एक मैं था। क्योंकि रेज्यूमे कभी इंडिया में बनाया नहीं, क्योंकि 12th के बाद, मतलब चलो थोड़ी देर डिग्री की है, 8 months, उसमें भी रेज्यूमे वगैरह तो नहीं बनाया था कभी भी। और जब गैस स्टेशन या पिज़्ज़ा डिलीवरी में लगे थे, तो वो रेज्यूमेज बहुत डिफरेंट होते हैं आपके टेक्निकल या फील्ड के रिलेटेड रेज्यूमे से। तो वो स्किल जो था वो आई थिंक मिसिंग था, जिसके कारण जो ऑन कैंपस आप कह सकते हैं कि प्लेसमेंट कंपनीज जो आई थी वो नहीं लगी, या नहीं चूज़ किया मुझे। तो तब थोड़ा था कि यार मतलब क्यों नहीं हुआ, क्योंकि GPA वगैरह अच्छी थी, पैशनेट हूँ, और आता है, मतलब कंप्यूटर नेटवर्किंग आती थी। तो आई थिंक उसके बाद मैंने थोड़ा काम किया, हमारे कॉलेज में ही वो था, स्टूडेंट फैसिलिटीज़ होती हैं, और स्टूडेंट सक्सेस आई थिंक कुछ सेंटर होता है, तो वहाँ पे जाके थोड़ा सीखा कि रेज्यूमे कैसे बनाते हैं, प्रोफेशनल रेज्यूमे क्या होता है, कवर लेटर्स क्या होती हैं, क्यों इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी चीज़ रेज्यूमे पे जानी चाहिए और कौन सी नहीं जानी चाहिए। क्योंकि मेरे केस में जब एक्सपीरियंस की बात आती थी, तो मैं गैस स्टेशन और पिज़्ज़ा डिलीवरी ही लिखता था, और जो उसमें किया वो लिख देता था। पर जो मुझे फिर बाद में पता लगा कि आप लिख सकते हो अगर आपके पास प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है, पर ऐसी चीज़ें लिखो जो आप जो जॉब अप्लाई कर रहे हो वहाँ पे भी यूज़ हो जाएं। तो जैसे कस्टमर फेसिंग स्किल्स थे, वो अप्लाई हो सकते थे मेरे IT एडमिन के जॉब में, ठीक है। फिर मैंने जब गैस स्टेशन पे काम किया था, वहाँ पे हमारे CCTV में कुछ चक्कर आ जाता था, तो वो सॉल्व कर देना, या POS सिस्टम डाउन हो जाता था तो वो सॉल्व कर दिया। तो ऐसे स्किल्स वहाँ पे लिखे, तो उसके वजह से मिला को-ऑप में। पर आई थिंक रेज्यूमे और सॉफ्ट स्किल्स एक बहुत बड़ी चीज़ है, आई थिंक वो बहुत लैक कर रहा था जब मैंने शुरू किया को-ऑप। उसके बाद आई थिंक जो प्रोग्रेस मेरी उस कंपनी में हुई है प्रिंटफ्लीट में, वो सिर्फ सॉफ्ट स्किल की वजह से हुई है। क्योंकि टेक्निकली देखा जाए तो मैंने क्लाउड या डेवऑप्स के बारे में कुछ नहीं पढ़ा कॉलेज में भी, और ना ही खुद से पढ़ा था तब तक। तो वो रीच आउट करना, मैनेजर को समझाना कि हे मैं ग्रो करना चाहता हूँ, और अगर वो सपोर्टिव है इनफ, और वो देख रहे हैं कि हाँ पैशनेट हो, तो वो डेफिनेटली आपको सपोर्ट करेंगे। पर वो कम्युनिकेशन जो है वो करनी आनी चाहिए। तो ऋषभ, आप ये बताइए कि आपके करियर प्रोग्रेशन में को-ऑप्स, रेज्यूमे और बाकी सॉफ्ट स्किल्स का कितना कितनी वैल्यू थी, उनका कितना रोल प्ले किया उन चीजों ने आपके करियर को आगे प्रोग्रेस करने में? बहुत बहुत सिमिलर टेक है, क्योंकि मतलब मेरे साथ हो चुका है अब, ठीक है। जब टेक्निकल इंटरव्यूज थी अमेजोन में दी, मैंने माइक्रोसॉफ्ट में भी दी थी इंटरव्यू, वहाँ पे भी अनफॉर्चुनेटली डिडंट वर्क आउट, बट वहाँ पे भी यही था कि अगर आप विलिंग टू ग्रो, और कम्युनिकेशन स्किल्स इतने इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगर आप अपने बारे में उनको जो बताना चाहते हो वो ठीक तरह से ना बता पाए, इट विल कॉस्ट यू अ जॉब, राइट। सो आई थिंक मेरी जब टेक सपोर्ट की जॉब के बाद, जो क्लाउड में जब एंटर करना था, उसकी जब इंटरव्यू हुई, टू बी ऑनेस्ट मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कैंडिडेट्स उन्होंने मार्क, मतलब बाहर से आए थे एक्सटर्नल कैंडिडेट्स से क्लाउड उस जॉब के लिए, वो जैसे 5-6 साल का एक्सपीरियंस था, उनको क्लाउड अच्छी तरह आता था, बहुत सारी सर्टिफिकेशन थी उनके पास, मेरे पास एक ही थी। पर मेरे पास उस कंपनी में काम करने का एक्सपीरियंस ऑलरेडी था, मैं लोगों को जानता था, लोगों से क्लियर कट बात की हुई थी कि मैंने क्लाउड में जाना है और मेरा ये गोल था साल के अंदर,
प्रोजेक्ट बनाए हुए थे मैंने, तो वो डिस्कस किए। तो वो जब डिस्कस करने के, वो प्रेजेंटेबल होने चाहिए और प्रेजेंटेशन देनी आनी चाहिए, तो वो तब मैं नर्वस था बहुत, पर मुझे था कि हाँ मैं कर पाऊंगा। और वो इंटरव्यू के दौरान प्रेजेंट किया, तो उससे वो बहुत इंप्रेस हुए, क्योंकि ऑफन टाइम्स इंटरव्यू में ऐसा होता है कि वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, आप आंसर देते हो, क्वेश्चन पूछते हैं आंसर देते हो। तो वो तो चलता रहा, तब एंड में 20 मिनट बचे थे, तो मैंने कहा कि मैं एक प्रोजेक्ट बनाया उसके बारे में बताना चाहूँगा, और वो बताया। फिर उनके उनको थे फॉलो अप क्वेश्चंस कि ये क्यों चूज़ किया आपने, ये क्यों चूज़ किया एंड ऑल दैट। पर वही आई थिंक वो अच्छी डिस्कशन हुई तब, और अच्छी एक कह लो कॉन्वर्सेशन हुई बोथ वेज, तो उसके कारण तब प्रमोट कर दिया। एंड पर यार नहीं, सॉफ्ट स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो उनको निगलेक्ट मत करो। आप इंटेलिजेंट हो बहुत अच्छी बात है, आपको टेक्निकली सब आता है तो बहुत अच्छी बात है, पर उनको प्रेजेंट करना आना चाहिए। क्योंकि कोई भी टीम या कोई भी कंपनी ये नहीं चाहती कि मैं किसी ऐसे बंदे के साथ काम करूं जो मतलब एरोगेंट हो या खुद अकेले में लगा रहे, राइट? बिकॉज सभी कंपनीज में 8-9 जने तो होते हैं एक टीम में, और टीम का पूरा आउटपुट देखा जाता है, सिर्फ अकेले बंदे का इतना इतना नहीं देखा जाता। तो ऋषभ ये बताइए, आपकी जब आप जूनियर आईटी एडमिन लगे, बाद में टेक सपोर्ट लगे, बाद में डेवऑप्स पे लगे, इन तीनों पोजीशंस पे स्टार्टिंग सैलरी इस इंडस्ट्री में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट? तो शुरू में मुझे भी इतना नहीं पता था, तो जब एस जस मैंने बताया शुरू में कि जूनियर आईटी एडमिन, क्योंकि को आप थी कॉलेज के थ्रू, एक प्रोग्राम था तो वो पेड नहीं था, तो वो सब एक तरह कह लो कि वॉलंटियर वर्क में गया। जो टेक सपोर्ट की सैलरी थी उसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, एंड बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपकी लोकेलिटी पे कि आप कहाँ लोकेटेड हो, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 35 to 45 के बीच में, डिपेंडिंग कहाँ पे हो, एंड मोर ज़्यादा हो सकती है डिपेंडिंग आपका कितना एक्सपीरियंस है। मैं क्योंकि फ्रेश था तो मेरे लोअर एंड पे थी, तो 35-36 के अराउंड थी तब, और ये 35-36,000 पर ईयर, जस्ट टू क्लैरिफाई। और फिर जब क्लाउड इंजीनियर की बात आती है, तो उस पर भी जैसे कहा कि लोकेशन और एक्सपीरियंस इस पर बहुत डिपेंड करता है, चाहे रेलेवेंट एक्सपीरियंस हो, पर आपको अगर आईटी में एक्सपीरियंस है, तो जैसे आप समझ लो टेक सपोर्ट में या सिस एडमिन लगे हो कहीं, और आप क्लाउड या डेवऑप्स में आ रहे हो, तो उसका भी फर्क पड़ सकता है। पर वही जो आपकी क्लाउड की है, उसको 60 से लेके 75-80 तक रख सकते हो अगर आप जूनियर साइड पे हो, तो जैसे 1-2 साल का एक्सपीरियंस है आपको। एंड इट कैन आई हैव सीन, मतलब मैंने देखा है लोगों की क्लाउड इंजीनियर टाइटल पे ही 6 फिगर लग जाती है आराम से, अगर आपको जैसे 5-6 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, जहाँ कंपनी काफ़ी बड़ी है। सेम थिंग विद डेवऑप्स, डेवऑप्स की अभी डिमांड बहुत ज़्यादा है, और इसके कारण इसकी जो लाइक लोअर एंड पे भी सैलरी है वो 80 से शुरू हो जाती है, इवन स्मॉलर सिटीज़ में तो 80 से लेके 120 के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगेन लोकेलिटी और एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। तो ऋषभ, जितनी जर्नी आपने अभी तक अपनी देख ली है, उसके हिसाब से व्हाट एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव उस वीर को जो ये वीडियो देख रहा है, जो अभी इंडिया में है या फिर कनाडा में अपनी जर्नी स्टार्ट करने जा रहा है या जा रही है, उसको क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप? बहुत स्पेसिफिक तो नहीं होगी, बहुत जेनरिक सी एडवाइस है कि अपने आप में जो जो बिलीव है, जो जो सपने देख के आ रहे हो, उनको उनको भूलना मत कभी भी। उनको उनको हमेशा कहीं ना कहीं माइंड में रखना, लिख के रख लो अच्छी बात है, पर कहीं ना कहीं माइंड में रखना, क्योंकि यहाँ पे आके क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होंगी, ठीक है, बहुत डिफरेंट कल्चर है, आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, आप अपने इंडिपेंडेंट हो जाते हो, क्योंकि आपने खुद जीना है यहाँ पे, जैसे खाना ये सब, ठीक है, उसमें टाइम जाएगा, फिर जॉब है, कॉलेज है, पढ़ाई है, उसके बाद करियर की टेंशन अलग है, पीआर आ जाती है आपकी, इमिग्रेशन का स्टेटस आ जाता है, तो उस कहीं भी जैसे भागा दौड़ी में कह लो कि आप भूल जाते हो कि मतलब क्या था मोटिव, क्या था लाइफ में, क्या करना है, अचीव करना है। और होता है, मेरे साथ भी हुआ, वो 2 साल मुझे नहीं पता था कि मैंने फील्ड जॉब करनी है कि नहीं करनी, मुझे था कि बस यार यहाँ पे आए हैं तो मतलब अच्छी लाइफ हो जाए, इंडिया से बेटर हो जाए, राइट, उसके लिए आते हैं आप। तो हाँ, वो बस हमेशा याद रखना, और अपने अपने आप में बिलीव करो, सेल्फ वर्थ मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अपने आप को अपस्किल करते रहो, देखते रहो क्या ट्रेंड में है,
किस स्किल की ज्यादा वैल्यू है और उस हिसाब से अपने आप को ग्रो करते रहो। थैंक यू। सो ये थी आज की वीडियो गाइस, आई होप यू गाइस लव द कंटेंट। आपने ऋषभ की जर्नी देखी, कैसे एक जूनियर आईटी सपोर्ट से लेकर डेवऑप्स, टेक सपोर्ट और आज उनकी गूगल में भी जॉब लग चुकी है। लेकिन बहुत सारे लोग ये नहीं देखते कि उन्होंने अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट जैसी और कई और कंपनीज में भी शायद अप्लाई किया हो जहां उनको रिजेक्शन भी मिली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और जैसे कि उन्होंने एडवाइस दी कि अपने सपने में उन्होंने पूरा बिलीफ रखा। ऐसे ही लोग हमें इंस्पायर करते हैं और हमारी कम्युनिटी को भी इंस्पायर करते हैं। दैट्स व्हाई आई ब्रिंग सच कंटेंट टू यू गाइस। अपने आप में बिलीफ रखिए, लोग आगे बढ़ेंगे हमारी कम्युनिटी की तो कम्युनिटी आगे बढ़ेगी, कम्युनिटी आगे बढ़ेगी तो सारा जो एज अ वर्ल्ड ह्यूमैनिटी है आगे ही बढ़ेगी। सो ऐसे ही लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। कोई भी कंसर्न हो मैं कोशिश करूंगा या ऋषभ खुद कोशिश करेगा वो एड्रेस करने की, और ऋषभ के जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मेक श्योर यू गाइज फॉलो हिम एंड ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से, कॉमेंट करने से मेरे को भी इंस्पिरेशन मिलती है ऐसी और वीडियोज बनाने की। थैंक यू एंड लव यू ऑल।